हिंदू धर्म में कई लोग अपने घर में पूजा पाठ के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन उन्हें समय का पता नहीं होता। ये पंडित जी से जानते हैं किस समय कौन सा दीपक लगाना चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सकारात्मक भाव के लिए घर के आंगन में दीप लगाना शुभ माना जाता है। दीप से भगवान प्रसन्न होते हैं। दीप की ज्योति से भगवान प्रसन्न होने के साथ साथ हमें मनोवांछित फल देते हैं। लेकिन किस समय हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? हमें संध्या के समय पर लक्ष्मी जी के शुभ चरण हमारे घर में पधारें, इसलिए संध्या के समय 5 से 7 के बीच में दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। घर की दहली पे यदि हम साफ सफाई करने के पश्चात दीपक लगाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, माता महालक्ष्मी के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं। दक्षिण दिशा वाले घरों के लिए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। घर के पानी के स्थान पर भी यदि हम संध्या के समय पर दीप लगाते हैं तो वहां से भी देव प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। सभी देवों के मन प्रसन्न करने के लिए दीपक एक बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छा एक माध्यम है। इसलिए हम सभी को दीपक लगाना चाहिए। जिस प्रकार से सुबह सुबह की बेला को ब्रह्म बेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसी प्रकार से संध्या को 5 से 7 बजे का जो समय है वो संध्या बेला कहती है, वो शिव की बेला कहती है। उस समय पर हम यदि दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे घर की दुर्दशा को दूर करने के लिए यदि हम दीप लगाते हैं तो वह दीप बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए दीप लगाएं, समय का ध्यान रखें, 5 से 7 के बीच में हमें दीप लगा देना चाहिए। दीप लगाने के बाद अपने मन के भाव भगवान से प्रदर्शन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। भो दीपम देव रूपस्तम तेजो राशिम जगतपतिम अंधकार निवाराय दीप ज्योतिम नमोस्तुते।